हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अब आपके पास में 13 दिन बचे हैं और इन 13 दिनों के अंदर अपन को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। मैं भी कुछ चीज़ें आपके लिए लाना चाहता हूँ, ठीक है। इन 13 दिनों में अपन क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और मैं उस पर सुबह से वर्क कर रहा हूँ, मॉर्निंग से वर्क कर रहा हूँ उस पर। तो मैं बता देता हूँ कि मेरा क्या प्लान है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मुझे हमको ATC के PVS के पेपर के सोल्यूशन चाहिए। तो मैं ATC के आपको 2015 से 2018 में टोटल 7 पेपर हैं, अभी मैं उसके सॉल्यूशन ही बना रहा हूँ, और वो सॉल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। टोटल 7 पेपर हैं, तो टोटल 7 पेपर मोस्ट प्रोबेबली कल की डेट है आपकी 13 है, 13 या 14 तक मैं आपको इस 7 के 7 पेपर के सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट है कि मैं आपको टोटल 7 पेपर देने वाला हूँ। ये पेपर आज रात से उसकी वीडियो आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ तो मैं एक साथ बना रहा हूँ, 2015, 2016, 2017 जितने भी एक साथ बना रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके वीडियो डालूंगा। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू चल रहा है, तो एकदम मैंने एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं, तो वो अभी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक साथ सारे वीडियो बना रहा हूँ, और ये आज और कल, आज रात को 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद से लेकर कल या परसों तक मैक्सिमम आपको ATC के सारे सॉल्यूशंस के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड बात, फिर बात आते हैं अपन ATC की मैथ्स के बारे में देखते हैं। तो मैथ्स के अंदर मैंने मोस्टली 70-80%, अगर मैं कम वैसे ज़्यादा करा है, लेकिन मैं मिनिमम मान के चलो 70-80% मैंने कोर्स करा चुका हूँ, सारे टॉपिक करीब हो चुके हैं। और अब जो टॉपिक बचते हैं वो बचता है 2D, बचता है 2D 3D, ये एक टॉपिक बचता है, ठीक है ना। उसके बाद में डिफरेंस इक्वेशन का कुछ पार्ट बचता है, और एक मल्टी इंटीग्रल पढ़ता है, और कुछ छोटे मोटे पार्ट, और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का बचता है। ये 4 पार्ट जो बच चुके हैं इसको मैं 2 या 3 दिन में कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या है, 7 पेपर का सॉल्यूशन। सेकंड टारगेट क्या है, मैथ्स के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं, वो टॉपिक पूरा करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। 2 या 3 दिन के अंदर ये टॉपिक हो जाएंगे, मतलब अगर आज आपकी डेट 12 हुई है तो 12 से लेकर 14 तक मैक्सिमम मान लो आपके पेपर सॉल्यूशंस 14 की शाम से स्टार्ट कर दूंगा, 14 से लेकर 16 और 17। देखो, मैं मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहा हूँ, इससे कम कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतना टाइम लेकर चल रहा हूँ मैं आपको ये रिमेनिंग टॉपिक करा दूंगा जितने भी टॉपिक हैं। फिर थर्ड आता है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के अंदर देखो, मैंने काफ़ी क्वेश्चन तो करा दिए हैं, काफ़ी जो बड़े बड़े सेक्टर वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो रिमेनिंग टॉपिक 4-5 टॉपिक जो रिमेनिंग जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं करा दूंगा, उसमें मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे, तो ये वाला मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर जो भी टॉपिक आप बोलोगे उस हिसाब से कर देंगे। फिर आएगी बात रीजनिंग की, रीजनिंग और क्वांट की। देखो, रीजनिंग में मैंने कम से कम काफ़ी जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनके वीडियो बनाए हुए हैं, और जो टॉपिक 3-4 टॉपिक या 5 टॉपिक जो हार्ड लगते हैं उसके नहीं बने, तो उसकी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। रही बात क्वांट की, तो क्वांट का भी मैक्सिमम वीडियो अपन ने बना चुके हैं, और जो थोड़े बहुत वीडियो बचे हैं वो वीडियो अपन 24 से पहले पहले डालने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आपका टाइम एंड वर्क है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पाइप एंड सिस्टम, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो हार्ड लगते हैं वो मैं कराऊंगा आपको। तो बेसिकली ये मेरा टारगेट है। पहला टारगेट ये है कि आज रात से आपको ATC के पेपर के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट होंगे, और वो कल तक चलता रहेगा। मैं अभी वीडियो बना, मतलब मैं अभी बना ही रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उसको वीडियो को फॉर्मेट टाइम लगता है, एक वीडियो को बनाने को मुझे 3-4 घंटे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप है नहीं, तो मुझे आईपैड से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, 1-2 घंटे का। जैसे एक वीडियो का सोल्यूशन 2 घंटे का है, तो मेरे को 2-3 घंटे उसमें लगते हैं, फिर इसको अपलोड करने में 2 घंटे लगते हैं, तो इट्स टेक टू मच टाइम। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ना सोचें कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, और काफ़ी वीडियो, काफ़ी चीज़ें बना चुका हूँ, तो लेकिन आज का टाइम मेरा ATC के पेपर सोल्यूशन बनाने में टाइम लग जाएगा। तो आपको आज रात को 9-10 बजे वीडियो मिलेगा, और उसके बाद में वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, और आप लोग पढ़ाई करते रहो, बस वीडियो आएगा उसमें नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, जैसे वीडियो आया तो वीडियो देख लो, वापस से यूट्यूब बंद कर लो, वापस अपनी स्टडी पा दो। तो इस तरीके से जैसे आपके पास में नोटिफिकेशन आया वीडियो देखो, वापस बंद कर लो। तो जितना हो सकता है उतना व्हाट्सएप ये सब चीज़ें कम यूज़ करो, अपना टाइम मोबाइल में कम से कम वेस्ट करो, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट बता दिया है, और इस टारगेट को अपन अपनी पूरी शिद्दत से पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी आप लोगों की दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये टॉपिक वो टॉपिक जो भी कराना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।